ये सामान अब अभी ले लेके जा रहे हैं। रॉकेट ये कब बनाई है? अच्छा बना रहे हैं, अभी बना ओ यार ओ यार अभी जा रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं। और ये हम मेरे दोस्त लोग आए हैं, हेल्प कर रहे हैं। ये इनको हम आजाद कश्मीर से मकबूजा कश्मीर लेकर जा रहे। और यार धुन चेक करो भैंस की धुन। आज सुबह 6 डिग्री था, बस यही जिंदगी। अभी मेरी 6 डिग्री होने के बावजूद भी मैं अभी इसके साथ साथ ठंडे पानी से नहाया हूँ। ठंडे पानी से नहाने की वजह ये है कि एक और जॉब थी लाहौर में, बड़ा अच्छा पैकेज था। मसला ये था कि मैंने जैसे बताया, मैं जो बीमार हुआ, बड़ी अच्छी सैलरी, उसकी कोई वीडियो नहीं बनाना चाहता था क्योंकि बहुत ही बुरी मेरी तबीयत थी। ऑफर कर रहे हैं, उल्टियाँ आ रही थी और मैं अपने हॉस्टल की, मेरा दिल तो है ये, मैंने उधर CV दे दी है अपने हॉस्टल की। मैं स्टेयर्स में जो है रात को उठा था पानी पीना, पानी का कूलर नीचे होता है, तो मैं जब वापस आ रहा था ना, और अभी इंटरव्यू के लिए कॉल शॉल भी आ जाएगी, दिल तो है कि ना, तो सीढ़ियों में मैं गिर गया था बेहोश होके, इतनी बुरी हालत थी। अगर वहाँ पे हो जाती है तो पैकेज अच्छा है तो उधर भी मैं जा सकता हूँ क्योंकि मेरी। और फिर किसी ने मुझे उठाया, अंदर ले गए, तो तब जाके कोई बात बनी। तुम लोग सच बात बताओ, मेरी हमेशा से मोटिवेशन मेरी पैसा नहीं थी, वो इसलिए फिर मैं बीमार इसलिए हुआ था क्योंकि मैं गर्म पानी से नहाया था। मेरी हमेशा से मोटिवेशन थी लर्निंग, तो उसके बाद से 6 डिग्री है। मैंने ऐसी ऐसी जगहों पे काम किया है जहाँ पे मैंने फ्री में काम किया है, ठंड है, लोग ठंड से पागल हो रहे हैं, लेकिन आपका भाई फिर भी आज ठंडे पानी से नहाया है। मतलब मैं एक इंटर्नशिप पे जाता था, फ्री में काम कर रहा था मैं ठंडे पानी से, और मैं झूठ नहीं बोल रहा, 2 दिन हो गए मुझे मैं ठंडे पानी से नहा रहा हूँ। वो घर से दूर थी, मैं साइकिल पे जाता था और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। कोई कुछ नहीं होता, ये सारे डरते हैं क्योंकि मैं पेट्रोल के पैसे नहीं लगाना चाहता था और उन दिनों में पेट्रोल भी महंगा था। ठंड है ये वो कुछ भी नहीं होता है, ड्रामेबाजी है ये, तो अभी भी महंगा है। बाद मैंने काफी कंपनियों में बड़ा मजा आता कसम। चलो कल वाली बात को कंटिन्यू करते हैं। मैं दरअसल जा रहा हूँ बाजार, मुझे एक काम है, लो पे काम किया। उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको इतना पे करेंगे, मैंने कहा कोई मसला नहीं। मैंने उधर काम किया, मैंने इतना कुछ सीखा मैं बता नहीं सकता, जाते जाते जो है बात भी कर लेंगे। सीन ये है कि और इवन जब मैंने वहां से छोड़ा और मुझे थोड़ा टाइम था, कल मैंने बताया था कि मैं अटक में, मेरा काम सही चल रहा है, वो बात बिल्कुल झूठ थी क्योंकि मैं अटक में सिर्फ और सिर्फ हूँ लर्निंग पर्पजेज के लिए। मुझे अपने नेक्स्ट जॉब पे जाने के लिए तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि जब तक मेरा वो नहीं आ जाता तो आप मुझे बगैर पे के बेशक रख लें। 2 महीने हो गए हैं, कोई पे नहीं मिल रही क्योंकि मैं आपके ऑफिस आके काम करना चाहता हूँ, चीज़ें सीखना चाहता हूँ। तो मेरी हमेशा से प्रायोरिटी, ऑब्वियसली एग्रीमेंट भी पे का नहीं था, उन्होंने कहा था कि तुम आ रहे हो तो बस ये इस नियत से आना कि तुम सीखोगे, बिकॉज लर्निंग एंड लर्निंग। मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है काम का, चीज़ें आती हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा ठीक है सर, मैं सीखने की नीयत से आया हूँ, और सच भी ये है कि मैं सीखने की नीयत से आया हूँ, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं भी सीख रहा हूँ तो पेश है तो कोई नहीं है। तो अब ऑब्वियसली लॉजिकली स्पीकिंग मेरी प्रायोरिटीज अब पैसा उस तरह से, लेकिन अब जब मुझे ऑफर आई है लाहौर से तो मेरे घर वाले जो हैं बहुत ज़्यादा मुझे बोल रहे हैं कि जो है तुम जाओ बस। मेरी अम्मी तो मेरे पीछे पड़ गई हैं कि नहीं नहीं पैसे ज़्यादा हैं ये वो, तो जाओ। लेकिन ये पैकेज थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा था, घर वाले भी 90% घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई अगर अच्छा पैकेज है तो। अभी मैंने CV दे दी है, वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, कॉल करेंगे, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, फिर देखेंगे क्या सीन है। लेकिन तब तक के लिए मैं इन्हीं के पास रह रहा हूँ। काम तो अटक में भी सही है, लेकिन यार यहाँ पे फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे ये ऑफिस के रूम में रहूंगा, खाना शाना भी ऑफिस वाले देंगे, सारा चीज ये करेंगे, तो मेरा मतलब गुजारा चल जाएगा। सैलरी उस तरह से नहीं मिल रही, लेकिन मुझे उसका मसला नहीं है क्योंकि मैं लर्निंग के लिए आया हूँ। अगेन काम सीखना, इंसान काम एक ही दफा सीखता है और उसके बाद वो अप्लाई करता है। मैं एक ही दफा काम सीखूंगा, चाहे जितना टाइम लगे, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई मसला नहीं। टाइम लगता है तो लगे, लेकिन असल चीज है लर्निंग। वर्क रिलेटेड अपडेट वो ये है कि मैं इधर रह तो सकता हूँ लेकिन खाना पीना मैंने खुद करना है। इनके पास बेसिकली एक किचन की व्यवस्था है, बर्तन शर्तन भी दे देंगे, लेकिन खाना खुद बनाना है सिर्फ पहले 1 महीने तक, उसके बाद मैं इनके यहाँ से खा सकता हूँ, ये बात है। सो आई बी ईटिंग लॉट्स ऑफ जंक फूड लाइक दिस वन। अभी तो हॉस्टल से दोपहर का खाना खाने जा रहा हूँ, अंडा 65 रुपीज़, 32 रुपीज़ का हो गया एक अंडा,
पहले 30 का होता था। इन्फ्लेशन बेबी। वो जो कर ना आ तो रही है गैस। किधर है ये गैस है? लगा वो लगा।